गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं श्रीराधा भक्तिर हरिर ज्ञानम यमभ्यां च समन्विता तां भागवती मगाथां वन्दे युगले कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः अतुलित बलिधाम महिम शैलाभदे तनुजवन कृष्ण ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानिराणां अधीशं रघुपति प्रिय भक्तं बात जातं नमामि श्री राम कथा के रसिक जन आवहु पवन कुमार आसन लीजो आन कर मेरी विनती बारंबार मेरी विनती बारंबार ओम श्रीमन महागणाधिपतये श्री सदगुरु चरण कमलेभ्यो नमः श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः नगर देवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः श्रीमद् भागवत महापुराण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल हे गो
श्री द्वारिकाधीश महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मंदिर में विराजमान समस्त देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम आदरणीय विद्वत विप्र समाज, आगंतुक हरि कथा रस रसिक सज्जन वृंद, मातृ स्वरूपा देवियों बच्चों, मुख्य यजमान के रूप में विराजमान धर्ममूर्ति धर्मात्मा श्रीमान सतीश चंद्र अग्रवाल जी एवं उनकी धर्मपत्नी एवं सही यजमान श्रीमान लालिता प्रसाद जी, उनकी धर्मपत्नी एवं समस्त परिवारी जन, भगवान के मंगल में इस कथा अमृत बेला का आज सप्तम दिवस है और सप्तम दिवस की इस बेला में आप सभी भक्तों का इस कथा पंडाल में सादर स्वागत है। जब भगवान की असीम अनुकंपा होती है तब जाकर हमें भगवान की कथा प्राप्त होती है। अति हरि कृपा जाहि पर होई पांव देहि ए मार्ग सोई। जिस पर प्रभु अनंत कृपा करते हैं, जिस पर प्रभु कृपा करते हैं उसको मानव शरीर मिलता है और जिस पर प्रभु अनंत कृपा करते हैं उसे भगवान की कथा प्राप्त होती है। मानव शरीर मिलना और कथा प्राप्त होना दोनों में अंतर है। सुतदारा अरु लक्ष्मी जे पाप्यु घर होइ, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई। अरे धन तो एक चोर भी एकत्र कर लेता है
एक कसाई भी धनवान बन जाता है, लेकिन भगवान की कथा और संत दर्शन ये दुर्लभ है। कल के कथा प्रसंग में आपने भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के विवाह का प्रसंग सुना। यद्यपि हम सब जानते हैं कि जो हम कथा सुनते हैं उसका हमारे जीवन पर असर होता है। यदि हम रामचरितमानस की कथा सुनते हैं तो हमें राम जैसा बनना चाहिए। यदि हम देशभक्ति के वीरों की कथा सुनते हैं तो हमें देश के प्रति समर्पित होने की भावना मन में जागृत होती है। अब यहाँ पर यदि आपने कथा को सुन लिया कि भगवान श्री कृष्ण तो रुक्मिणी का हरण करके लाए, तो आपके मन में नकारात्मक विचार जागेंगे। अरे